Bismillahir Rahmanir Rahim. I'm Zafar Iqbal Zafar from the Readers. Today we are going to read unit number 2 of class 10 and its lecture 2. The title of the unit is Chinese New Year, Chinio ka Naya Saal. Dear students, Chin ka official name hai People's Republic of China, PRC, yani Awami Jamhuriya Chin. चीन का टोटल एरिया हम देखें तो 9596961 स्क्वायर किलोमीटर यानी 95,96,961 स्क्वायर किलोमीटर। चीन आबादी के अतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। 2019 की सेंसस के अकॉर्डिंग टू चीन की पॉपुलेशन है 1,40,50,000। चीन में मौजूद मजाहिब को अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीन में नॉन रिलीजियस मेंबर्स की तादाद है 72%, यानी वो अफराद जो किसी भी मज़हब पर अमल नहीं करते वो 72% हैं। बुद्धिज़्म 16%, इस्लाम 3%, क्रिश्चियनिटी 2%, अदर रिलीजन्स 7% हैं। बीजिंग चाइना का कैपिटल सिटी है और शंघाई इसका मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। 2019 की सेंसस के अकॉर्डिंग टू शंघाई शहर की आबादी थी 2,70,58,000। डी स्टूडेंट्स, चीन की मशरकी सरहद को दुश्मनों से महफूज बनाने के लिए ज़माने कबल मसीह में कई दीवारें तामीर की गईं जिनको बाद में मिला दिया गया तो अजीम दीवारें चीन वजूद में आई यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसकी लंबाई है 21,196.18 किलोमीटर। नेक्स्ट हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के। पैराग्राफ नंबर 3 का हम उर्दू तर्जुमा स्टार्ट करेंगे। डेकोरेटिंग द हाउस, घर को सजाना, घर की सजावट। अनदर पॉपुलर कस्टम, एक और मकबूल रवाज इज है टू हैंग अप, लटकाना, साइंस, अलामती तख्तियां लटकाना। एक और मकबूल रवाज अलामती तख्तियां लटकाने का है एंड पोस्टर्स और पोस्टर ऑन डोर्स एंड विंडोज, दरवाजों और खिड़कियों पर। एक और मकबूल रवाज दरवाजों और खिड़कियों पर अलामती तख्तियां और पोस्टर लटकाने का है विद द चाइनीज वर्ड फू रिटन ऑन देम, जिन पर चीनी जुबान का लफ्ज फू लिखा होता है, विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मानी है खुशकिस्मती और खुशी। बाइंग फ्लावर्स, फूलों की खरीदारी, फॉर द होम, घर के लिए फूलों की खरीदारी, इज ऑल्सो कॉमन प्लेस, उसका भी रवाज है। घर के लिए फूलों की खरीदारी का भी रवाज है सिंस, क्योंकि दिस सिंबलाइज, वो अलामत बनते हैं द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि वो बहार की आमद एंड अ न्यू बिगिनिंग, और नई शुरुआत की अलामत बनते हैं। बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम, घर के लिए फूल खरीदना, इज ऑल्सो कॉमन प्लेस, उसका भी रवाज है सिंस दे सिंबलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड द न्यू बिगिनिंग, क्योंकि वो मौसम बहार की आमद और नई शुरुआत की अलामत बनते हैं। द कमिंग ऑफ, कमिंग यहां पर जेरंड है, उसके बाद ओएफ ऑफ आ गया, तो पहले हमने द यूज किया, द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड अ न्यू बिगिनिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ है न्यू ईयर्स ईव डिनर। तो स्टूडेंट, ईव का मानी यहां पर ई कैपिटल नहीं लिखना चाहिए था, स्मॉल ई लिखना चाहिए था। रीजन ये है कि अगर ईव में ई कैपिटल लिखा जाए तो उसके मानी होते हैं हजरत हव्वा, और अगर स्मॉल ई लिखा जाए ईव, तो फिर इसके मानी होते हैं द पीरियड ऑफ टाइम इमीडिएटली बिफोर एन इवेंट और ओकेजन, किसी वाक्य किसी मौके से फौरी पहले का वक्त, उसे ईव बोलते हैं। उर्दू में आमतौर पर उस वक्त इसका मानी किया जाता है मौका, जैसे ऑन द ईव ऑफ हर डिपार्चर ही गेव हर अ लिटिल पार्सल। सेकेंड मीनिंग है इसका द इवनिंग आर डे बिफोर अ रिलीजियस फेस्टिवल, किसी भी मजहबी त्यौहार से पहले का दिन या उससे पहले की शाम को भी ईव बोलते हैं। लिटररी टर्मिनोलॉजी में इवनिंग को भी ईव बोला जाता है। जब इसको इवनिंग के सेंस में लिया जाता है तब ये इवनिंग से डिराइव्ड नहीं होता बल्कि ये इवन से डिराइव्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बिटर विंटर्स ईव। दोबारा हम पैराग्राफ पे आएंगे। ऑन द ईव ऑफ चाइनीज न्यू ईयर, चीनियों के नए साल के मौके पर, इट इज कस्टमरी, इस बात का रवाज है, टू विजिट रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के पास जाने का रवाज है, एंड पार्टेक और शिरकत करने का इन अ लार्ज डिनर, और एक बड़े इशाइये में शिरकत करने का रवाज है। चीनियों के नए साल के मौका पर रिश्तेदारों के पास जाने और उनके हाँ एक बड़े इशाइये में शिरकत करने का रवाज है। वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स, जहां पर
कई मखसूस खाने या सर्व पेश किए जाते हैं, जहां पर कई मखसूस खाने पेश किए जाते हैं। इट इज टिपिकल फॉर अ चाइनीज फैमिली, एक चीनी खानदान के लिए ये बात मामूल के मुताबिक है, मुराद इसका भी रवाज है। इट इज टिपिकल फॉर अ चाइनीज फैमिली, एक चीनी खानदान के लिए ये भी रवाज है, टू मेक इट टू 9 डिशेस, के वो 8 से 9 पकवान तैयार करते हैं। फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, वो नए साल के ईशाइये के लिए 8 से 9 पकवान तैयार करते हैं। बिकॉज क्योंकि इन चाइनीज लैंग्वेज, क्योंकि चीनी जुबान में द वर्ड 8 मीन्स लफ्ज 8 का मतलब है प्रोस्पेरिटी, खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और लफ्ज 9 से मुराद है दराजिए उम्र, उम्र दराज होना, उम्र लंबी होना। नेक्स्ट पैराग्राफ है गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशबख्ती के तहाइफ देना। इट्स अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये रिवायती मामूल है। इट्स अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये रिवायती मामूल है, फॉर एडल्ट्स, के बालिग अफराद, जो गिव चिल्ड्रन, बच्चों को देते हैं। ये भी रिवायत है कि बालिग अफराद बच्चों को देते हैं लिटिल रेड इनवेलप, छोटे छोटे सुर्ख लिफाफे देते हैं, फिल्ड विद मनी, जो जिनके अंदर रकम भरी होती है, जो रकम से भरे पड़े होते हैं, इन ऑर्डर टू सिंबलाइज, जो इस बात की अलामत बनते हैं वेल्थ, दौलत की, एंड प्रॉस्पेरिटी, और खुशहाली की, फॉर द कमिंग ईयर, जो अगले आने वाले बर्स के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत को जाहिर करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉमन, इस बात का भी रवाज है, फॉर एल्डर्स, के बुजुर्ग अफराद, टू प्रेजेंट, पेश करते हैं रेड पैकेट्स, सुर्ख रंग के लिफाफे पेश करते हैं, टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, खानदान के गैर शादीशुदा लोगों को, खानदान के गैर शादीशुदा लोगों को सुर्ख रंग के लिफाफे पेश करते हैं। एनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपन, लिफाफों को नहीं खोला जाता, अनटिल, यहां तक कि द रेसिपियंट हैज लेफ्ट, जब तक वसूल कुनिंदा, यानी वसूल करने वाला, छोड़ न दे द होम ऑफ द गिवर, देने वाले का घर। एनवेलप्स को, लिफाफों को तब तक नहीं खोला जाता जब तक वसूल कुनिंदा देने वाले के घर से बाहर न निकल जाए। ऑनरिंग द एनिमल, जानवरों की इज्जत अफजाई, एवरी ईयर, हर साल, इज एसोसिएटेड, हर साल का ताल्लुक होता है विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडियक, चीनी जायचे के 12 जानवरों में से किसी एक जानवर के साथ उसका ताल्लुक होता है। हर साल का ताल्लुक चीनी जायचे के 12 जानवरों में से किसी एक जानवर के साथ होता है। दीज एनिमल्स, ये जानवर, आर ऑफन रिप्रेजेंटेड, इन जानवरों को अक्सर पेश किया जाता है, इन डेकोरेशंस, इन जानवरों को अक्सर सजावटी अशिया में पेश किया जाता है। सम पीपल, कुछ लोग बिलीव, ईमान रखते हैं, बाज लोगों का ईमान है, दैट दोज, कि वो लोग बॉर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल, कि वो लोग जो किसी मखसूस जानवर के बस पैदा होते हैं, बाज लोगों का मानना है कि वो लोग जो किसी मखसूस जानवर के बस पैदा होते हैं, मे हैव द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ दैट एनिमल, उनके अंदर उनके अंदर उस जानवर की किरदारी खसूसियात मौजूद हो सकती होती हैं। चाइनीज न्यू ईयर, चीनियों का नया साल, इज अ टाइम, ऐसा वक्त होता है, चीनियों का नया साल ऐसा वक्त होता है, व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर, जब सारा खानदान इकट्ठा होता है, जब सारा खानदान इकट्ठा होता है, इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर दैट इज पास्ड, गुजरे हुए साल का शुक्रिया अदा करने के लिए, यानी गुज़श्ता बरस की खुशियों का शुक्रिया अदा करने के लिए सारा खानदान एक जगह पर इकट्ठा होता है, एंड री इनविगोरेट, और खुद और देमसेल्व, और खुद को ताज़ा दम करने के लिए, फॉर द कमिंग ईयर, और अगले आने वाले वर्ष के लिए खुद को ताज़ा दम करने के लिए सारा खानदान एक जगह पर इकट्ठा होता है। इसके बाद हम इन पैराग्राफ्स की वोकैब देखेंगे। पोस्टर, सिनोनिम है प्ले कार्ड, मीनिंग है पोस्टर, एक्सप्लेनेशन आप अपने तौर पर तैयार करेंगे। पोस्टर, प्ले कार्ड, मीनिंग भी पोस्टर। कॉमन प्लेस, सिनोनिम है यूजुअल, मीनिंग है रवाज या मामूल। ईव, इवनिंग भी है, इवेंट भी है, शाम, या फिर दूसरा मानी जो इस चैप्टर में यूज हुआ वो करेंगे मौका। पार्टेक, सिनोनिम है ज्वाइन, मानी है शिरकत करना। प्रैक्टिस, ट्रेडिशन, रवाज या मामूल। प्रेजेंट, गिव, पेश करना। रेसिपिएंट, रिसीवर, वसूल कुनिंदा। ट्रेट्स, क्वालिटीज, यानी खसूसियात। होम टास्क में हम देखेंगे इन गिवन पैराग्राफ्स की हमने उर्दू ट्रांसलेशन प्रिपेयर करनी है, इसकी वोकैब देखनी है, और ग्रामर के रूल्स हमने प्रिपेयर करने हैं। आज के चैप्टर के एंड पे अच्छा लेसन हमारा, आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ सक्सेस, आई वर्कड फॉर इट, मैंने कामयाबी के महज ख्वाब नहीं देखे थे, बल्कि मैंने इसके हुसूल के लिए मेहनत की थी। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।